तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो इतनी इसको जल्दी है हमारे ग्लास में जाने की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। गाइस आज मैं एक चिल्ड बियर लेके आया हूं आप सबके साथ शेयर करने के लिए, ब्लू मून। एक्चुअल में जैसे कि आप सबको पता ही है, लॉकडाउन लगा हुआ है और सब लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है, जो माहौल है इतना ज़्यादा टेंशन वाला हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ठंडी सी चिल्ड बियर ओपन की जाए और शेयर की जाए आप सब लोगों के साथ, ताकि आपका भी थोड़ा सा जो मन है वो रिफ्रेश हो सके, आपका मूड थोड़ा चेयर अप हो सके। तो गाइज आज मैं लेके आया हूँ ब्लू मून बेल्जियम वाइट बियर। बताऊंगा आपको क्या कुछ खास है इसमें, कैसी नोजिंग आती है हमें इसे पीने में, क्या टेस्ट मिलता है हमें इसे पीने में। हालांकि आज तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैं इसको पी रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहीं कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और थोड़ी सी जानकारी शेयर कर देता हूं मैं इसके बारे में आप सब लोगों के साथ। गाइस जैसे कि इसका नाम है ब्लू मून और ये आती है फ्रॉम द हाउस ऑफ मोल्सन कूर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। ये लॉन्च हुई थी इन द ईयर 1995 में और इसने बहुत सारे जो है अवार्ड्स जीते हुए हैं। 95 में, 96 में, 2002 में इसने काफ़ी ज़्यादा जो है अवार्ड जीते हुए हैं। और इस कंपनी की और भी बहुत सारी फ्लेवर्ड बियर्स आती हैं, तो सेल्स के मामले में काफ़ी अच्छी सेल्स है इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में ही नहीं बाहर भी ये मिलती है और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। ये 330 ml का पाइंट है, ये एक छोटी बोतल है। ये मैंने ली थी चंडीगढ़ से, वहाँ से मुझे मिली ये 130 rupees की मिली थी मुझे, ये 130 rupees का पाइंट ये मुझे मिला है। अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कुछ मिला है, क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको मैं बता देता हूँ। गाइस इसमें जो है अपना वाटर का यूज़ किया गया है, बार्ले मॉल्ट का यूज़ किया गया है, वीट मॉल्ट का यूज़ किया गया है इसमें, ओट्स का यूज़ किया गया है, ऑरेंज पील का यूज़ किया गया है, ईस्ट डाला गया है इसमें, कोरिएंडर एंड होप्स का यूज़ किया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें इतना कुछ मिलाया हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका जो टेस्ट होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। इसमें जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है ये 3.25 से लेके 5% के बीच में है, 5% से ज़्यादा नहीं है और 3.25% से ज़्यादा है। तो आप मान के चलो कि 4 and 4.5% इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ होगी, तो ये एक लाइट बियर है, आप इसको दिन में पी सकते हो, इंजॉय कर सकते हो डे लाइट में। तो अब मैं इसका एक छोटा सा 360 व्यू आपको करके दिखा देता हूँ बॉटल कैसी है, तो फिर मैं पोर करूँगा इसको अपने ग्लास में और बताऊँगा आपको पीने में इसका क्या है टेस्ट। तो गाइज ये है बॉटल ब्लू मून बेल्जियन वाइट बियर की, इट्स अ डार्क कलर बॉटल और जो इसका कैप है ये पुलिंग वाला कैप है। बॉटल काफ़ी अच्छी है, सिंपल सोबर डिज़ाइन इन्होंने रखा है, जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत प्यारा है। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ और पोर करता हूँ अपने ग्लास में। तो चलिए दोस्तों ओपन करते हैं अपनी बॉटल को। इसका जो कैप है काफ़ी अच्छा, एक पुलिंग वाला कैप है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यूज़ करने में। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो इतनी इसको जल्दी है हमारे ग्लास में जाने की, काफ़ी चिल्ड है इस टाइम बियर मेरी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने देता हूँ और इसकी नोजिंग करता हूँ। गाइस जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसका कलर बहुत ही प्यारा कलर है और इसकी जो फ्रोथ बनी है वो भी काफ़ी अच्छी बनी है। हालांकि जो फ्रोथ है काफ़ी जल्दी से नीचे जा रही है, लेकिन जो इसका कलर है वो यार जूस जैसा लग रहा है, जैसे कि ऑरेंज जूस होता है ना वैसा इसका कलर लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं और पोर करता हूँ इसको। गाइस कलर इतना प्यारा कलर है इसका, इतना अच्छा लग रहा है देखने में, सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑरेंज जूस हो। मन कर रहा है जल्दी से इसको पिया जाए,
तो अब मैं इसकी नोजिंग करके बताता हूं कि क्या नोट्स दे रही है ये। चीयर्स। काफी अच्छी अच्छी ऑरेंज जूस जैसी इसमें से नोजिंग आ रही है। एक खटास है इसमें, एक खट्टापन मुझे मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है नोजिंग के ऊपर, रहा नहीं जा रहा है मेरे से। तो जल्दी से एक फटाफट मैं सिप लेता हूं और बताता हूं आपको पीने में ये कैसी है। चीयर्स। इतनी लाइट, इतनी स्मूथ, इतनी इजीली नीचे गई, बहुत ही बढ़िया लग रही है, जैसे मैं कोई फ्रूट जूस पी रहा हूं। इतना बेहतर टेस्ट है इसका, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है इसमें। जैसे कि मैंने किंग फिशर की भी विट बियर पी हुई है, उसमें एक कड़वाहट है, एक कड़वापन हमारी टंग पे आता है, इसमें वो चीज़ नहीं है, मिठास में है। सच में बिल्कुल जूस जैसे लग रही है मुझे, और एक इसमें बटरीनेस है, एक क्रीमीनेस है इसमें, काफ़ी अच्छी माउथ में फीलिंग आ रही है। दोस्तों मैं बोलूंगा ये एक परफेक्ट डे बियर है, दिन में पीने वाली, गर्मी भरे दिन में पीने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा, ये दूंगा 8.7 out of 10, क्योंकि भाई मुझे बहुत अच्छी लगी पीने में, बहुत रिफ्रेशिंग है, टेस्ट बहुत अच्छा है, माइल्ड है, किसी टाइम भी आप इसको पी सकते हो, प्राइस बहुत जेन्युइन है। तो गाइस प्लीज इसको ट्राई करके देखो, बहुत बढ़िया बियर है। तो ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।